वहाँ पे देखो पहाड़ दिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए जड़धार है जी, ये देखिए वीरभद्र, ये देखिए ये वाला, ये हो रहा है हमारा खाना तैयार। थोड़ा छेड़ा मार के दिखाओ ये देखो यहाँ पे पता नहीं इस डिश को क्या नाम दिया मिक्स है ये रोटी बन रही है देखिए, और इसे कोयले पे पकाएंगे। हर 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 हर। यहाँ पे रस्सी लगाया हमने ऊपर भी, तो रस्सी के स्पोर्ट्स आए नीचे अभी। ये देखो गाइस यहाँ पे दरारें हैं, पूरा रास्ता ऐसे दरारों से भरा पड़ा है, और पिछले साल इन दरारों के बीच में 400 भेड़ बकरियाँ चले गए थे, उस सबकी डेथ हो गई थी। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइस अभी के सीन कुछ ऐसे हैं, मैं निकल पड़ा हूँ मणि महेश यात्रा की ओर, और हम अभी रापे गाँव में रुके हुए हैं, अमृता में, अमृता नाम का एक जगह होता है वहाँ पर रुके हैं, और हम लगभग 150 से 200 लोग हैं, और यहाँ पे सभी लोग रुकते हैं। आज ये देखिए यहाँ पे आज सभी लोग यहाँ पे रुकेंगे, खाना बनाएंगे, उस सुबह 2 या 2:30 बजे के आसपास निकलेंगे हम, पता नहीं अब वो कंफर्म नहीं हुआ है, तो कंफर्म कर लेंगे उसको भी। सो गाइस अभी 3 बज चुके हैं और हम निकल चुके हैं कुतुब सानी की ओर। ये देखिए लाइन देख सकते हैं आप लोग कहाँ तक, कितनी दूर तक लाइन है, और आगे भी आप लोग लोग देख सकते हैं कितने हैं यहाँ पे। सो गाइस अभी 5:45 बज चुके हैं और हम बस खोड़े पदर पहुँचने वाले हैं, 1 घंटे के भीतर पहुँचेंगे, और यहाँ पे गद्दियों के बकरी देखे यहाँ पे भेड़ बकरी सब, वो देखो आप सुन रहे जी। सो गाइस अभी हम खोदे पदर पहुंच चुके हैं, ये देखें यहाँ पे सभी ने अपना अपना चूल्हा जला दिया, सभी ने पूजा पाठ कर लिया पहले, तो अभी यहाँ पे कुछ बना रहे हैं, तो फिर से पूजा करेंगे उसके बाद हम। सो गाइस हमें खुर्दे पत्थर पहुंच के 4 घंटे हो चुके हैं, और अभी 1 बजने वाले हैं, हम लगभग 2 बजे के आसपास यहां से अलियास की ओर निकल जाएंगे, और मैं ज़्यादा शूट नहीं कर रहा हूं यार, क्योंकि देवता की कार्रवाई के समय नाम शूट भी नहीं कर सकते, और ज़्यादा शूट भी नहीं कर रहा हूं इसलिए क्योंकि बैटरी बचा रहा हूं मैं अभी, मैं बस लेटा हूं मज़े से, मैं आपको व्यू दिखाता हूं आगे का। ये देखिए हल्की हल्की हवा चल रही है, बाकी बंदे ऊपर बैठे हुए देखिए यहाँ पे रेस्ट मार रहे हैं, और कुछ बंदे यहाँ पे ऊपर सोए हुए हैं,
और आज हमने जाना है यहाँ से होते हुए ऊपर अलियास नाम कर चुका होता ना, तो वहाँ पे जाना आज हमने, तो आज रात होम स्टे वहीं पे करेंगे, कल हम सीधे शायद केलिंग के वहाँ पे पहुँचेंगे। सो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं अलियास और हमें बारिश ने पूरी तरह से भिगा दिया है। अभी हमने आग जला दिया और खाना बना रहे हैं, अभी खाना बस अभी बना के रखेंगे, तो पूजा करेंगे पहले ऊपर वहाँ पे, तो पूजा करने के बाद ही सभी खाना खाएंगे। ये देखिए ओपन नहीं बैठना पड़ता है, ना टेंट लगा सकते हैं ना गैस लगा सकते हैं हम। ये देखिए वैसे तो रेनकोट भी अलाउड नहीं होता है, फिर हमने बहुत बंदों ने लगा लिया यहाँ पे। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ, वहाँ पे देखिए पहाड़ दिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए जड़धार है जी, ये देखिए वीरभद्र, ये देखिए ये वाला, ये यहाँ के प्रहरी है एक हिसाब से सब बोला जाता है, और ये यहाँ पे तपस्या के मुद्रा में बैठे, देखिए लग रहा है ना आप लोगों को, ये देखिए यहाँ पे। और अभी मौसम हो गया बिल्कुल नीला बीच में नीला साइड साइड में दिखे, यहाँ देखे बंदे भाई ये हो रहा है हमारा खाना तैयार, थोड़ा छेड़ा मार के दिखाओ ये देखो यहाँ पे पता नहीं इस डिश को क्या नाम दिया मिक्स है ये देखो गाइस ऐसे नजारे में ये खाने का मजा कुछ और आएगा। ये देखो यहाँ पे कितने लोग हैं, 150-180 के आसपास लोग हैं शायद, हम 150 ही बोले जा रहा हूँ, कब से 180 के आसपास लोग हैं। देखो ध्यान से देखिए ये चेहरा, ये वही चेहरा है कभी जिस चेहरे को मैंने आज पागल हो गया ये बंदा, हाई एल्टीट्यूड हो गए इसको, जो ये ये देखो गाइस अलिया से नीलकंठ के दर्शन होते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये जो आगे वाला पहाड़ दिख रहा है ना आप लोगों को, ये वाला देखो अभी बादल बादल तो जब से हमारे थे, अभी देखो पूरा कलर हो गया यहाँ पे नीलकंठ महादेव है, यहाँ पे चटधार है, ये देखिए यहाँ भी दर्शन हो चुके हैं पूरे क्लियर। और कल जब हम पीक पे जाएंगे वहाँ से कैलाश भी दिखेगा और नीलकंठ भी दिखेगा, दोनों की पीक दिखेगी। सो गाइस अभी रोटी बन रही है, देखिए इसे कोयले पे पकाएंगे Hare 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 Hare
हाँ देखिए आप लोग नीलकंठ महादेव, ये देखिए जो पुलिया दिख रहा अभी, और इसी के अपोजिट देखिए सामने मणि महेश कैलाश पर्वत। ये देखो गाइस यहाँ से रास्ता बिल्कुल भी नहीं, और यहाँ पे रस्सी लगाया हमने ऊपर भी, तो रस्सी के स्पॉट्स आए नीचे अभी, और कुछ लोग देखिए कहाँ पहुँच गए हैं। ये देखो गाइस यहाँ पे दरारें, पूरा रास्ता ऐसे दरारों से भरा पड़ा है, और पिछले साल इन दरारों के बीच में 400 बेड़ बकरा चले गए थे, उस सबकी डेथ हो गई थी, और यहाँ पे देखे सभी चले हैं मजे मजे से। रिस्क भी थोड़ा, बस यही पेच बचा हुआ है, फिर नीचे से आप लोग देख सकते हैं आगे देखिए। हाँ इसके बाद पूरा ग्रीनरी है, फिर हम पहुँच जाएंगे कुगती। कुछ लोग अभी भी उतर ही रहे हैं, वो देखिए वहाँ पे। सो गाइस अभी हम कुगती जोत क्रॉस करके चंबा डिस्ट्रिक्ट में पहुँच चुके हैं, और अभी हम निकल चुके हैं कुगती गांव के लिए, केलिंग वजीर के मंदिर में, कार्तिक स्वामी के मंदिर में जाने के लिए। अभी देखिए हमारे कुछ लोग कहाँ पे हैं, वो देखिए ऊपर चोटी में, वो देखिए, ये देखिए, हमें देखें। हम जल्दी इसलिए आए ना क्योंकि हमारे भेड्डू और बकरियां जो भी थे वो दूसरे गद्दी के साथ मिक्स हो गए थे, और गद्दी आगे चला गया है, तो अभी छाटने के लिए आए कुछ लोग कहते हैं, तो साथ आ चुका हूँ। तो गाइस रास्ते में देखो एक पोटाश आ चुका है, और ये पूरी तरह से हिल रहा है, और फिर से हमारे बंदे देखे कहाँ पर, और यहाँ पे देखिए कितने, जो भी हम निकल चुके हैं कुकती से, कुकती बोलते हैं इसको, आगे गांव तो आगे पड़ता होगा, गांव आगे है। अभी हम निकल चुके हैं कार्तिक स्वामी के मंदिर से, तो अभी हम जाएंगे धनोटू, हाँ धनोटू पदर, धनोटू पदर जो आगे दिख रहा है आप लोगों को, वो देखें वहाँ पे, वो देखिए वहाँ पे, लगभग 3 या 4 घंटे लगेंगे हमें वहाँ पहुँचने में, तो पिछले कल हम यहाँ पे पहुँचे थे शाम को 5:30 के आसपास, तो रात को हमने सूट नहीं किया क्योंकि बहुत थके हुए थे, तो सूट भी नहीं किया मैंने ज़्यादा, तो अभी निकल चुके हम, आज हम जाएंगे हनुमान शिला, तो आज भी हमें बहुत चलना है, आज भी जोत लगना है हमने, आज नहीं आज पहुँच गए जोत के पास, जोत पास कल जोत लगना है, जोत पूरा जाएंगे कैलाश कंधे से, कैलाश कंधे में चढ़ेंगे हम, हाँ मतलब पीछे पीछे से जाते हैं हम, वहाँ से नीचे उतरेंगे नीचे।
हाँ हाँ जोत जोत ये वैसे रास्ता भी खतरनाक है वहाँ पे। सो गाइस मैंने बहुत ज़्यादा शूट तो नहीं किया है क्योंकि देवते के साथ चले ना तो शूट करने में नहीं देते थे, तो मैंने थोड़ा बहुत शूट किया है और शूट करने का मन भी नहीं करता है इतना, मतलब परिक्रमा में चले हैं तो ज़्यादा शूट नहीं करना था मैंने। पहले तो मैं सोच गया था कि बहुत ज़्यादा शूट करूँगा, सब दिखाऊँगा क्या क्या एपिसोड में डालूँगा। अब पता नहीं कितना बना है कितना नहीं बना मेरे को नहीं पता, जितना बनेगा मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो मर्ज करके डालूँगा। अभी आज और कल भी है हमने जाना, मतलब आज हम जाएंगे हनुमानशिला तक, कल हम सीधे कैलाश पर्वत के पास पहुँच जाएंगे, तो उसके बाद देखते हैं क्या सीन होता है। हम सोच रहे हैं कि भरमौर भी चले जाएँ, आए हैं तो चौरासी मंदिर भरवानी माता हर जगह घूम के आ जाते हैं। बाकी बंदे जैसे कल पहुँचेंगे तो कल ही निकल जाते हैं कुछ, क्योंकि कुछ लोग पैदल जाने वाले भी होते हैं ना। बहुत से लोग आगे चले गए हैं और हम अभी पीछे पीछे चले गए हैं और अभी टाइम भी 6:30 हो चुका है। 3-4 दिनों से कंटिन्यू जल्दी जल्दी उठ रहे हैं, आज थोड़ा रेस्ट मिला है क्योंकि पिछले कल और उससे पहले हम 1:30 बजे के आसपास उठे थे और 2 बजे हम निकल पड़े थे, आज थोड़ा रेस्ट मिला हमारे को। और ये देखिए कुप्ती केलिंग बजीर का मंदिर, यहाँ पे ये सामने जो दिख रहा है ना ये वाला, ये और ऊपर माता का मंदिर। ये देखो गाइस पुराना पुल लकड़ी वाला, चलते हुए हिल भी रहा है भाई ये देखिए लचकीला पुल। ये ऊपर वाला माता के और ना मराड़ी के, ये देखिए गाइस यहाँ से माता मराड़ी की ओर रास्ता है ऊपर ज्योत में और यहाँ से मनी महेश की ओर। वो देखो गाइस कुप्ती गांव, वो देखो टावर लगा वहाँ पर, सिग्नल तो है फुल ना पर फोन भी बड़ी मुश्किल से लग रहा है यहाँ पे और नेट तो चल भी नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। अब ऊपर वहाँ जाके आएगा बोलने नेट बढ़िया, देखते हैं थोड़ी देर के लिए नेट का आनंद लेते हैं उसके बाद फिर से आउट ऑफ नेटवर्क चल जाएंगे हम।